तो विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का पहुंचना जारी। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, जो इससे पहले यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के कमिश्नर भी रह चुके हैं, 10 साल तक वे वंचित और संवेदनशील समूहों उनके मुश्किलों को बहुत करीब से महसूस करते रहे हैं। ये ज्ञात रहे कि जब वो कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज थे, उस वक्त सीरिया, इराक, सूडान, यमन, इनके विस्थापितों का दर्द भी उन्होंने करीब से देखा है। वे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, कई महत्वपूर्ण शुरुआत की है। और G20 की अध्यक्षता के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि कल ही उन्होंने बड़ा बयान दिया कि यूनाइटेड नेशंस में भी रिफॉर्म के लिए वो तैयार हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ के तौर पर ये बड़ा बयान, भारत की प्रेसिडेंसी में आना और भारत की प्रेसिडेंसी को समर्थन देना, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक बड़ा बयान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का स्वागत करते हुए